आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम क्लास 11th का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। और अगले वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका फ्रेंड, यहाँ से मैं पूरे के सिर्फ करेक्ट आंसर बताते चलूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा फ्रेंड। इसका दूसरे वाले का आपका सी करेक्ट आंसर है इसका, और अगले वाले का फ्रेंड तीसरे वाले का आपका, तीसरे वाले का करेक्ट आंसर है आपका प्लस का एक, अगले वाले का इसका आपका है फ्रेंड सी 126, चौथे वाले का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पाँचवा है, तो इस पाँचवें वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्या है, फाइव। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर कितना है, फाइव। थोड़ा ढंग से देख नहीं रहा है फ्रेंड, एडजस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन आपके जितने भी दिए गए हैं सही सही आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इसका आंसर आपको बताना है फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा फ्रेंड, इसका खाली स्थान में जो भरना है वो है आपका क्या है फ्रेंड, जीरो और माइनस के चार। ठीक है फ्रेंड, पहले वाले में क्या भरना है आपका, जीरो और माइनस चार। दूसरे वाले में आपको क्या भरना है, एक। दूसरे में क्या भरना है आपका फ्रेंड, एक। दूसरे वाले में आपको एक भरना है। और तीसरे वाले में क्या लिखा है, माध्य का बतानी है आपको, तो इसकी माध्य का क्या है आपको, इसमें क्या भरना है आपको, नौ। इस वाले में क्या भरना है आपको, फाइव। चौथे वाले का क्या है आंसर फ्रेंड, फाइव। और पाँचवें वाले का आपका क्या है, इसमें क्या बताना है, सर्वनिष्ठ, तो इसका आपका क्या है, ए। देख लीजिए फ्रेंड, पहले वाले में आपका, दूसरे वाले में आपका क्या बनना है, और तीसरे वाले में क्या बनना है, और चौथे वाले में और पाँचवें वाले में, यही है आपके करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एक एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए फ्रेंड, तो इसका क्या है, पहले वाले का करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड, पहले वाले का करेक्ट आंसर है ए बराबर माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। ठीक है फ्रेंड, यहीं तक हुआ, तो यही है हमारा माइनस तीन, दो, एक और जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः तक लिखना है। इसका करेक्ट आंसर पहले वाले का है। कहीं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है वास्तविक भाग पूछा है, तो वास्तविक भाग इसमें फ्रेंड जे रूट जितना तीन लिखा हुआ है जो आपका काल्पनिक है, वो वास्तविक भाग इसमें है ही नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका है आपका करेक्ट आंसर जीरो। वास्तविक भाग कितना होगा, जीरो। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है भोपाल से बनने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 720। अगला वाला इससे इसमें पूछा हुआ है आपका, चौथे वाला में क्या पूछा है, चौथे वाले का आंसर देख लीजिए फ्रेंड, चौथे वाले में आपको पूछा है, तो इसका पाँचवा पद पूछा है, तो पाँचवा पद आपका 15 होगा फ्रेंड। पाँचवा वाला पद क्या है आपका, 15। उस व्रत का समीकरण लिखिए जिसका केंद्र एक्स अक्ष से होकर जाता है और ए त्रिज्या है फ्रेंड, तो इसका आपका फ्रेंड आंसर ये है, थोड़ा मे भी थोड़ा करेक्ट कर लेना फ्रेंड आप, इसमें थोड़ा करेक्शन, एक्स से जा रहा है तो एक्स, एक्स से जा रहा है तो आपका इसका एक्स स्क्वायर प्लस जीरो बाई स्क्वायर बराबर ए होगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इसको देख लेना, थोड़ा करेक्ट कर लेना जो भी है इतना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिए गए सत्य, इनको भी देख लेते हैं फ्रेंड जल्दी जल्दी से। तो पहला हमारा करेक्ट है, दूसरा वाला भी हमारा करेक्ट है, तीसरा वाला भी हमारा करेक्ट है, चौथा वाला क्या दिया गया है इसमें, चौथा वाला करेक्ट, हाँ फ्रेंड चौथा वाला भी करेक्ट है आपका, चौथा वाला करेक्ट है, पाँचवा वाला आपका गलत है। इसमें फ्रेंड चार सही हैं और एक गलत है फ्रेंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारे मैचिंग द सही जोड़ियां हैं फ्रेंड, मैचिंग है। आइए देखते हैं इसमें। तो पहले वाले का हमारा क्या आंसर है, पहले वाले का है ई, पहले वाले का क्या है फ्रेंड, पहले वाले का है हमारा ई यहाँ पर।
पहले वाले का ई और दूसरे वाले का आपका क्या है डी, 75 वाले का क्या है डी, जो 75 लिखा हुआ है इसमें डी, और इस वाले का क्या है आपका उन जे वाले, तीसरे वाले का आपका है √3 यानी ए, और अगले वाले का क्या है आपका, इसका है आपका 2 फ्रेंड, इसका है सी करेक्ट आंसर, और इस वाले का आपका क्या है पाँचवें वाले का, पाँचवें वाले का आपका जो बचा है यहाँ पर बी, वही करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, पहले का दूसरे का आप समझ गए होंगे फ्रेंड, पहले का आंसर क्या है और अभी दूसरे का क्या है आप समझ गए होंगे, देख लेना फ्रेंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहीं पर है फ्रेंड, इसी में देख लेते हैं। पहले क्या लिखा है छठवां क्वेश्चन, समुच्चय ए और बी के सब क्या लिखना है, उप समुच्चय लिखने, तो फ्रेंड इसका छोटा सा ही आंसर था इसलिए मैंने इसका वो नहीं बनाया है फ्रेंड, PDF टाइप में नहीं बनाया इसका, आप देख लीजिए इसका उप समुच्चय लिखेंगे तो क्या क्या होगा आपका, उप समुच्चय ए होगा उप समुच्चय, कॉमा उप समुच्चय आपका बी होगा, और क्या होगा आपका ए कॉमा बी, ये आपके तीन उप समुच्चय होंगे फ्रेंड इसके, आप इसको लिख लीजिएगा फ्रेंड, इसका मैंने PDF नहीं दिया है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सभी क्वेश्चनों के PDF दिए गए हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर, सातवें वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन ये दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड, ये वाला दिया गया है क्वेश्चन, ए सी का आंसर है फ्रेंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सातवें क्वेश्चन का आंसर है आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आठवां, आठवें वाले का फ्रेंड शायद क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया हूँ मैं, आप कमेंट कर देना फ्रेंड, मैं आपको अगले वीडियो में आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा। आइए अगला नौवां क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन जो दिया गया है ये वाला, इसका आंसर कहाँ से है यहाँ से देखना फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका आठवां क्वेश्चन है, ये आठवां क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, आठवां क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड, ये आठवें क्वेश्चन का आंसर है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो आठवें क्वेश्चन का मतलब नौवें क्वेश्चन का था फ्रेंड, आठवां क्वेश्चन तो है ही नहीं फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, ये यहाँ पर आठवां क्वेश्चन नहीं, ये वाला सोल्यूशन आपके नौवें क्वेश्चन का था, आप क्वेश्चन बुलाते चल रहे हैं और उसका सोल्यूशन लिखते चल रहे हैं, नौवें का है ये आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दसवां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, दसवां क्वेश्चन दिया गया है माध्यिका ज्ञात किए, तो इसका करेक्ट आंसर ये यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड, ये माध्यिका यहाँ पर, ये दसवां क्वेश्चन का सोल्यूशन है, आप इसका वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन दिया गया है दसवें क्वेश्चन का, हो ग्यारहवें क्वेश्चन दिया गया है, ग्यारहवें क्वेश्चन का अथवा का आंसर यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड, अथवा वाले क्वेश्चन का इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है वीडियो में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये यहाँ पर जी रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, या आप इसका वीडियो का रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका बारहवां क्वेश्चन रहा, तो बारहवें क्वेश्चन का पहले वाले का ही यहाँ जो ऊपर वाला बारहवां क्वेश्चन है इसी का दिया गया है आंसर, आप देख लीजिए यहाँ से, ये आपका यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फ्रेंड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बारहवां हो गया है, अब तेरहवें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो तेरहवां क्वेश्चन क्या दिया गया है फ्रेंड, तेरहवें क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका भी आंसर आपको तेरहवें क्वेश्चन का ही प्रोवाइड किया गया है, ये देखिए यहाँ पर, ये तीसरे, ये आपका तेरहवां क्वेश्चन है, इस तेरहवें क्वेश्चन का यहीं पर आंसर ही है फ्रेंड, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जी इसका आंसर है आपका तेरहवें क्वेश्चन का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेरहवें वाले क्वेश्चन का, ठीक है फ्रेंड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौदहवां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, चौदहवां क्वेश्चन ये पहला वाला है यहाँ पर, ये चौदहवें वाले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया गया है फ्रेंड, यहाँ पर ये आपको चौदहवां क्वेश्चन दिख रहा है, चौदहवां, ये चौदहवां क्वेश्चन नंबर है आपका, चौदहवें क्वेश्चन का ही यहाँ पर आंसर प्रोवाइड किया गया है। आइए देखिए यहाँ से, जी यहाँ पर, जी ये रहा आपका चौदहवें क्वेश्चन का आंसर, जो आपकी बुक में नहीं था फ्रेंड, इसका मुझे खुद सॉल्यूशन करके डालना पड़ रहा है यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार में इतना ले लीजिए, पहले
फिर आप इतना ले के इतना ले लीजिए तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये 14वें क्वेश्चन का आंसर था आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन क्या है। तो 15वां क्वेश्चन हमारा इसी में है, तो 15वें क्वेश्चन का इसी में है। तो पहला ही ये दिया है एक्स वाई वाला, इसका सोल्यूशन ये यहाँ पर रहा फ्रेंड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये रहा इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन 15 वाले का। आइए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 16वां। तो 16वां क्वेश्चन दिया गया है। तो 16वें क्वेश्चन का इसमें फ्रेंड मैंने अथवा का आंसर प्रोवाइड किया गया है आपको, आप इसको देख लीजिएगा फ्रेंड। आइए देखते हैं, तो ये रहा आपका अथवा का क्वेश्चन, यहीं पर ये आपका रहा आंसर। ठीक है फ्रेंड, ये किस में कौन से का है आपका फ्रेंड, ये है आपका 16 का अथवा। ये कौन सा फ्रेंड, ये है आपका 16 में सवाल का अथवा। ठीक है फ्रेंड, ये 16 में क्या 16वां क्वेश्चन है उसका अथवा है आपका, उसी का है। ठीक है फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका यहीं पर आंसर है फ्रेंड, ये यहाँ पर आंसर है आपका, 16वें क्वेश्चन का अथवा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। 17वें क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन ही करवाया अथवा नहीं करवाया फ्रेंड इसका। आइए देखते हैं इसको, तो ये इसका रहा आंसर फ्रेंड, यहीं तक आंसर है इसका, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। ये रहा आपका 17वें क्वेश्चन का सल्यूशन, तो ये आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 17वां क्वेश्चन हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम आ चुके हैं, अब हम 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 18वां क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड, 18वें क्वेश्चन का ही सोल्यूशन दिया गया है, पहले का ही क्वेश्चन जरूर ध्यान से मिला लेना फ्रेंड, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना आप। ये दिया गया है आपको 5 लड़के और 5 लड़कियाँ, तो यहाँ तक ही है इसका सोल्यूशन, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। ये रहा आपका उसका 18वें क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 18वें क्वेश्चन का सोल्यूशन था ये फ्रेंड, जो ऊपर वाले का। अब हम देखते हैं 19वें क्वेश्चन को, तो 19वें क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। 19वें क्वेश्चन का भी शायद फ्रेंड मैं प्रोवाइड नहीं करा पाया हूँ आंसर, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए यदि आपको चाहिए, हम तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगले वीडियो में, शाम तक ही प्रोवाइड करा दूंगा, लगभग 7 बजे तक ही फ्रेंड, अगर आप कमेंट कर देंगे तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब तक अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है आपका लिमिट वाला है फ्रेंड, 20वां क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, 20वां क्वेश्चन है, 20वें क्वेश्चन का ही आंसर प्रोवाइड किया गया है फ्रेंड, देख लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाला रहा आपका आंसर, थोड़ा बड़ा है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, यहाँ से आप इसको बड़ा करके जूम कर लेना फ्रेंड। ये रहा, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये रहा आपका। इसके बाद ये रहा इसी का, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद ये थोड़ा और रहा इसमें, यहाँ तक जे है, अगला और है थोड़ा फ्रेंड इसमें। अब यहाँ से फिर ये और लिखना है थोड़ा, ये आपका इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ तक आपका कंप्लीट है, 1/2 इसी वाले का आंसर का जो दिया गया है लिमिट वाला। ठीक है फ्रेंड, ये यहाँ तक आपका आंसर है इसका, ये ही आंसर है इसका उस वाले सवाल का, लिमिट वाले का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले का था फ्रेंड ये जी, लिमिट वाले का 20वें क्वेश्चन का। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 21 वाले का मैंने अथवा प्रोवाइड किया गया है आपको फ्रेंड इस वीडियो में। आइए इसको भी देखते हैं कहाँ है फ्रेंड, ये दिया गया है आपको, ये दिया है आपको अथवा। आप यहाँ से क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन भी देख लीजिए फ्रेंड कौन सा है। ये क्वेश्चन रहा आपका, ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन रहा और ये इसका आंसर रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से फ्रेंड, ताकि आपको लिखने में कोई समस्या ना आए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां। तो 22वां क्वेश्चन फ्रेंड, 22वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, 22वें क्वेश्चन और ये 23वां क्वेश्चन, ठीक है। 23वें वाला क्वेश्चन, 22 वाले क्वेश्चन का और शायद 23वें क्वेश्चन का भी फ्रेंड आंसर इसमें नहीं है, आप 24वें क्वेश्चन का देख लीजिए, शाम को 5 जो क्वेश्चन रह गए हैं, 4 या 5 उनका ही वीडियो बनना है, मैं आपको बना दूंगा शाम को, क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
24 में क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक इतने क्वेश्चन ही आप लिख लेना तब तक मैं उसका वीडियो ही बना दूंगा आपको। 24 में क्वेश्चन का ये आंसर है, ये क्वेश्चन रहा 24 में और इसका ये सलूशन रहा। ठीक है फ्रेंड, ये रहा आपका यहाँ पर ये आंसर है। ठीक है फ्रेंड, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है इसमें, अगला क्वेश्चन है 24वां हो गया कंप्लीट, अब रह गया 25वां क्वेश्चन। तो 25वें क्वेश्चन का मैंने फ्रेंड ये ऊपर वाला ही जो दिया गया माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, इसको ही सॉल्यूशन मतलब सॉल्व किया है, इसका ही आंसर दिया है फ्रेंड। देख लीजिए आप, ये रहा इसका सॉल्यूशन जो मैंने खुद अपने हाथों से किया फ्रेंड, क्योंकि किताब में नहीं मिल रहा था इसका सॉल्यूशन। ये देख लीजिए, ये रहा आपका, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसके बाद अब आगे ले लीजिए। जी देखिए आप, ये इसका सॉल्यूशन है पूरा टोटल, ये यहाँ पर आंसर आ गया आपका, ये आंसर प्रोवाइड किया गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपको इससे जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनका वीडियो चाहिए तो फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के नाम से, तो मैं आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा शाम के 6 बजे तक। थैंक यू फ्रेंड।